दुनिया भर में विश्वविद्यालयों के बारे में यह कहा जाता है कि अच्छा विश्वविद्यालय वह होता है, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय वह होता है जिसके पास इसका अधिकार होता है कि वह अपने छात्र छात्राओं को कैसे दाखिला देगा यह वो तय करेगा, अपने अध्यापकों को कैसे नियुक्त करेगा यह वह तय करेगा, अपनी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम कैसे बनाएगा यह वह तय करेगा। दुनिया भर में जिसको आप श्रेष्ठ विश्वविद्यालय कहते हैं, और अक्सर भारत में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का नाम लिया जाता है, और यह बात एकदम ठीक है कि वे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय। आप सब लोग जो दिल्ली के बाहर से आए हैं, आप सबका दिल्ली में स्वागत है। गर्मी बहुत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पानी होगा जिससे आप इस गर्मी का सामना कर पाएंगे। अभी इसके पहले जितने छात्र मित्रों ने अपनी बात रखी है उससे यह कुछ अंदाज मिलता है कि पूरे देश में दरअसल उच्च शिक्षा के सामने या स्कूली शिक्षा के सामने चुनौतियां किस प्रकार की हैं, वे चुनौतियां क्या हैं, ये साफ है। जैसे स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं या नहीं हैं, यह समस्या है। उसी प्रकार कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, राज्यों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं या नहीं हैं, वहाँ के पुस्तकालयों में किताबें हैं या नहीं हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करने की सामग्री है या नहीं है, उनके सत्र नियमित रूप से चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। कोई भी नीति जब बनती है और विशेषकर शिक्षा की, तो वह नीति बनती है कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए। अगर हम उच्च शिक्षा को देख लें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को देख लें या स्कूली शिक्षा को देख लें, तो ज्यादातर संख्या छात्रों की उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में है जो राज्यों के कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं। तो कोई भी जब आप राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ध्यान में रख के नहीं बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, जिनकी बात बिहार के हमारे छात्र मित्र ने की या तमिलनाडु की हमारे छात्र मित्र ने की या झारखंड के छात्र मित्र ने की, वहां ज्यादा संख्या है छात्रों की, वहां क्या समस्या है। दूसरी बात, इसी वजह से शिक्षा समवर्ती सूची में है, यानी राज्यों का भी अधिकार है शिक्षा पर, वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। तो कोई भी नीति जब बनेगी तो वह केंद्रीय नीति नहीं हो सकती, उसको आपको सहकारी नीति बनाना पड़ेगा जिसमें राज्यों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अगर इन दृष्टियों इन समस्याओं को, बुनियादी चीजों को सामने रखें और उसके बाद देखें कि दरअसल इस देश में हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज जो पिछले 20 वर्षों में हुई है वह यह कि उच्च शिक्षा में छात्रों और छात्राओं की संख्या में बेशुमार बढ़ोतरी हुई है। यानी 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले तक हम यह कहते थे कि शिक्षा का को का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर हम यह कह सकते हैं, उसकी वास्तविक सच्चाई जो भी हो, कि दाखिले के स्तर पर काफी सफलता प्राप्त की गई है। उसके बाद प्रश्न यह है कि क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वैसे ही प्रवेश की सुविधा है या नहीं है, यह एक प्रश्न है। तो स्कूली शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ उसका क्या असर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर होगा और उसमें क्या किया जाना चाहिए। अगर संख्या बढ़ रही है छात्रों की तो जाहिर है कि कॉलेजों में आपको उसके अनुसार उपाय करने पड़ेंगे, मतलब शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, वहां के जो साधन है कॉलेज के, वहां बैठने की जो की
बैठने की जो व्यवस्था है, हमारे क्लासरूम है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्रयोगशाला आपको बड़ी करनी पड़ेगी, पुस्तकालय बड़े करने पड़ेंगे। यह पहली समस्या थी। क्या इसकी तरफ विचार किया गया? क्या यह जो नई शिक्षा नीति है वह इन चुनौतियों की तरफ विचार करती है? दूसरे, चूंकि हम बहुत सारे लोग अभी बात करेंगे, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखता हूं। दूसरे, ज्ञान को लेकर, विषयों को लेकर हमारी समझ बदली है। पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले हम ज्ञान के बारे में जैसे सोचते थे, विषयों के बारे में जैसे सोचते थे, अब वह समझ काफी बदल गई। तो क्या वह बदली हुई समझ हमारे पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में दिखलाई पड़ रही है? यह एक सवाल है। दुनिया भर में विश्वविद्यालयों के बारे में यह कहा जाता है कि अच्छा विश्वविद्यालय वह होता है, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय वह होता है जिसके पास इसका अधिकार होता है कि वह अपने छात्र छात्राओं को कैसे दाखिला देगा, यह वो तय करेगा। अपने अध्यापकों को कैसे नियुक्त करेगा, यह वह तय करेगा। अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम कैसे बनाएगा, यह वह तय करेगा। दुनिया भर में जिसको आप श्रेष्ठ विश्वविद्यालय कहते हैं, और अक्सर भारत में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का नाम लिया जाता है, और यह बात एकदम ठीक है कि वे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय को, वहां का कोई भी, अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसी संस्था हो, तो वो ये नहीं बतलाती है कि आपकी पाठ्यचर्या ऐसी बनेगी, आपका सिलेबस ऐसा बनेगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर एक साल में पाठ्यक्रम की एक नई योजना भेज रही है, और उसके अनुसार हर विश्वविद्यालय एक ही तरह का पाठ्यक्रम लागू कर रहा है। अभी यहां बतलाया किसी ने कि, और यह बात सही है, कि यह बात कही जा रही है कि 40% आपकी शिक्षा, और यह योजना है कि वह ऑनलाइन दी जाए, वहां से बढ़ाकर उसको 70% किया जाए, यह योजना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो अभी क्लास में बैठकर, आमने सामने पढ़ रहे हैं, सरकार अब यह कह रही है कि 70% तक आपका पाठ्यक्रम अब ऑनलाइन होगा। स्वयं प्लेटफॉर्म पर अध्यापकों से लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखवा दिए जाएंगे। आपको यह कहा जा रहा है कि आप उन लेक्चर्स को अपने आप देख लीजिए और आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। अब यह जो निर्देश दिया जा रहा है, यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है। एक प्रश्न जो हम लोगों को करना चाहिए वो ये कि अगर यह शिक्षा नीति लागू की गई है, जो कि कहा जा रहा है कि लागू कर ली गई है, और मुझे जहां तक यह पता चला है, शायद यह पहली वर्षगांठ है उसकी या दूसरी है, दूसरी वर्षगांठ है, तो जो कुछ भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी कर रही है, क्या वो शिक्षा नीति के आलोक में कर रही है? जैसा बिहार के हमारे मित्र ने बताया कि फीस जो बढ़ाई गई, क्या वो शिक्षा नीति के चलते बढ़ाई गई? हमें यह समझना चाहिए कि शिक्षा नीति दरअसल अब एक ऐसी धोखे की टट्टी है जिसकी आड़ में हर विश्वविद्यालय और हर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो चाहे वो कर रही है, और उसको वो कहती है कि ये नई शिक्षा नीति के आलोक में हो रहा है। हमें ठीक ठीक पता भी नहीं है कि नई शिक्षा नीति की कार्य योजना क्या है। और यह अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, कभी भी जब राष्ट्रीय नीति लागू होती है तो उसे संसद में उस पर बहस होती है। नई शिक्षा नीति संसद में गई ही नहीं है, संसद में उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, राज्य सरकारों से उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। तो फिर नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति हो कैसे गई और वो लागू कैसे हो रही है? दूसरी चीज जो किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होती है या किसी भी नीति में होती है कि जब आप नीति का दस्तावेज तैयार करते हैं तो नीति के दस्तावेज क्या होते हैं? वे आपके इरादे बताते हैं, मैं इधर जाना चाहता हूं। लेकिन सरकार के इतना भर कह देने से
कि मैं इधर जाना चाहती हूँ, बात तो पूरी नहीं होती है। जब सरकार ये कहेगी कि मैं ये हासिल करना चाहती हूँ, तो सरकार से ये पूछा जाएगा कि आप कैसे हासिल करना चाहते हैं, यानी बजट में उसके लिए कितना पैसा आप लगा रहे हैं। यह बात अभी तक हमें नहीं मालूम है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आलोक में कोई प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं बनाया गया है। तो जब कोई प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो जिसे जो भी तबीयत हो रही है वो कर रहा है, हर विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है, और उसे वह उचित ठहरा रहा है यह कहकर कि यह नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति पर जब विचार करें तो इन बुनियादी चीजों पर जरूर विचार करें कि दरअसल देश की शिक्षा के सामने चुनौती क्या है। चुनौती संख्या की बढ़ोतरी की है। उस संख्या की बढ़ोतरी के चलते स्कूल परिसर, कॉलेज परिसर, विश्वविद्यालय परिसर में जो परिवर्तन किए जाने चाहिए, उनमें जो पैसा लगाया जाना चाहिए, सवाल उस पैसे का है। क्या सरकार वो पैसा लगाना चाहती है या नहीं चाहती है? अगर पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सरकार लगातार पैसा काट रही है। तो जब वो लगातार पैसा काट रही है तो हम इस शिक्षा नीति का करें क्या? इसलिए यह शिक्षा नीति मेरे हिसाब से, हम लोग बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षा नीति दरअसल सिर्फ एक भुलावा है। क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति लागू है तो फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रोज रोज परिवर्तन क्यों कर रहा है? नए नए फरमान क्यों जारी हो रहे हैं? नीति के आलोक में कार्य योजना अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं है? ये प्रश्न हमें करने चाहिए। और उसके साथ जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षा नीति जो राष्ट्र की अवस्था होती है उसको देखकर बनाई जाती है। हमारी राष्ट्र की अवस्था अभी क्या है? हमारे राष्ट्र की अवस्था अगर देखें तो पूरी तरह से हिंसा और घृणा का माहौल चारों तरफ है। मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की जा रही है, यह माहौल है। यानी सामाजिक विभेद, सामाजिक हिंसा चारों तरफ दिखलाई पड़ रही है, मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ। यह एक माहौल है। दूसरा माहौल है आर्थिक पृष्ठभूमि। अगर आप देखेंगे तो इस देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और जितने भी सार्वजनिक संसाधन हैं जो हमारे और आपके पैसे से बने हैं, वे सारे संसाधन प्राकृतिक और सार्वजनिक, यानी जल, जंगल, जमीन और जो आपने बनाया जैसे बैंक, जैसे LIC और बाकी तमाम चीजें, वे सब अब कॉरपोरेट घरानों को हवाले किए जा रहे हैं, खासकर 2 कॉरपोरेट घरानों को। श्रम कानूनों में ऐसी तब्दीली लाई जा रही है जिससे मजदूरों के अधिकार छिनते चले जाएंगे, किसानों से उनकी खेती छीन लेने की साजिश की जा रही है। यह पूरा माहौल है, इस माहौल में यह शिक्षा नीति लाई जा रही है। तो आप इसका मकसद भी समझ सकते हैं। अंतिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इस सरकार की किसी भी कार्रवाई को हमें समझना हो तो यह समझना चाहिए कि यह सरकार दरअसल कभी भी नीति से काम नहीं करती है, यह सरकार हमेशा ही अनीति से काम करती है। और दूसरी चीज, इस सरकार का दिमाग नीति का दिमाग है ही नहीं। इस सरकार का हर एक कदम एकमात्र हिंदुत्ववादी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसे कैसे गहरा किया जाए, इसको सोचकर उठाया गया कदम होता है। इसलिए यह सरकार नीति की नहीं है, हमेशा ही राजनीति की है, और उस राजनीति पर ध्यान केंद्रित रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है।